स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद एकेडमी। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड के सॉल्यूशन के बारे में। सो लेट गेट स्टार्ट। लर्नर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन। एक्सरसाइज 7.4 इज ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन। सो सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला रिकॉल करेंगे। सो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला मैंने आपको बेसिक की वीडियो में बताया था, क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल एंड आर फैक्टोरियल। दिस इज द कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। यही हमें अप्लाई करना है सारी की सारी क्वेश्चंस पर फॉर एक्सरसाइज 7.4। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, इफ एन सी एट इज इक्वल टू एन सी टू, फाइंड एन सी टू। मतलब हमें क्या करना है, फाइंड करना है एन सी टू की वैल्यू। ओके, तो हमें यहाँ क्या गिवन है, सबसे पहले हम वो लिखेंगे एन सी एट इज इक्वल टू एन सी टू। अब लर्नर्स, आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ एन की वैल्यू, मतलब ये एन जो है दोनों के दोनों सेम है। तो अगर एन सेम होता है तो एक प्रॉपर्टी है हम वो यूज करेंगे यहाँ पर, जैसे एन सी एक्स, मैं ये आपको एक जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, इज इक्वल टू एन सी वाई। सो एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो जाता है। ठीक, अगर आपके पास इस तरह की कुछ कंडीशन बने जैसे कि n और n इक्वल हो, तो ये जो आपके पास लिखा हुआ है r, ये क्या होता है, एड हो जाता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं n इक्वल टू 8 प्लस 2 दैट मीन्स 10, मतलब n की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई है। तो अब देखिए 10c2, सो 10c2 को अब हम यहाँ पर फॉर्मूले में रख देंगे, दैट मीन्स 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2 फैक्टोरियल एंड मल्टीप्लाई आर दैट मीन्स 2। सो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2 दैट मीन्स 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। सो ये 2 फैक्टोरियल की जगह 2 लिखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और 2 को 10 से कैंसिल करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा, दैट मींस हमारे पास आ जाएगा 45। सो ये है सॉल्यूशन फॉर अ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट वन। 2nc3 इज टू nc2 इक्वल्स टू 12:1, मतलब हमें n की वैल्यू यहाँ फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट वन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वन सॉल्व करेंगे लर्नर्स, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आपको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले यहाँ हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सो 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n माइनस 3 फैक्टोरियल एंड मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। ओके, ये मैंने बस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। फॉर्मूला मैं यहाँ लिख लेती हूँ, एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल एंड आर फैक्टोरियल। बस फॉर्मूला अप्लाई किया है, अब रेशो का साइन लगा हुआ है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई टू फैक्टोरियल। बस आपको फैक्टोरियल अच्छे से निकालना आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको जो है, ये जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है इसको जस्ट मैं रेसिप्रोकल कर दूंगी। तो देखिए यहाँ मैं लिखती हूँ उसको 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, और ये जो दिया हुआ है ये जब ऊपर जाएगा तो इसको जस्ट अपोजिट उल्टा कर देना है इसको बस। तो यहाँ मैं कर दूंगी इसको n माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12:1। अब देखिए लर्नर्स, यहाँ पर n फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल, तो देखिए इसको मैं जस्ट ओपन करती हूँ n फैक्टोरियल को। n फैक्टोरियल को ही क्यों ओपन कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ n माइनस 2 दिया हुआ है। तो n फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, n फैक्टोरियल n n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो इस तरह से सीरीज ओपन होती है। तो यहाँ n माइनस 2 है तो n माइनस 2 से n माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइन। और यहाँ 3 फैक्टोरियल है, यहाँ 2 फैक्टोरियल, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपको इस तरह से पॉसिबल कॉम्बिनेशन इसके ढूंढने होंगे। ओके, ये 2n फैक्टोरियल दिया हुआ है तो यहाँ पर एक सीरीज बन जाएगी 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इस तरह से। तो देखिए अब इसको ओपन करते जाते हैं हम, 2n मल्टीप्लाई 2n माइनस 1 2n माइनस 2 और
माइनस थ्री फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ फैक्टोरियल दिया हुआ है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल मतलब थ्री इंटू टू फैक्टोरियल। ओके, मल्टीप्लाई ये जो लिखा हुआ है ये यहाँ पर लिख देंगे। ओके, सो एन माइनस टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये यहाँ स्पेस कम होने के कारण मैं नीचे लिख रही हूँ, एन फैक्टोरियल मतलब एन एन माइनस वन और एन माइनस टू फैक्टोरियल, ये थोड़ा इधर साइड में लिख देती हूँ, एन एन माइनस वन और एन माइनस टू फैक्टोरियल। ओके, इक्वल्स टू ट्वेल्व इज टू वन, ये ऐसा का ऐसा। ओके, इन टू में बस मैंने ये यहाँ लिख दिया, यहाँ पर लिखने की जगह यहाँ स्पेस नहीं थी इसीलिए। ओके, अब देखिए कौन सा क्या कैंसिल हो रहा है, एन माइनस टू फैक्टोरियल से एन माइनस टू फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है, टू से ये टू कैंसिल हो रहा है, और उसके बाद में यहाँ पर ये देखिए एक और यहाँ पर लिखा नहीं मैंने, टू एन माइनस थ्री फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो रहा है। फाइन, तो अब जो बचा हुआ है वो हम लिख लेते हैं, और एक ये एन से एन कैंसिल हो रहा है। अब मेरे पास जो लेफ्ट है वो लिख लेती हूँ मैं, टू टू एन माइनस वन और टू एन माइनस टू, यही तो बचा, डिवाइडेड बाय थ्री मल्टीप्लाई, यहाँ क्या बचा हमारे पास, वन बाय एन माइनस वन इक्वल्स टू ट्वेल्व इज टू वन, ये हमारे पास अभी बचा हुआ है। ठीक, अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ, आप नोट करते जाइए साथ ही साथ में। ये देखिए अब यहां से मैं इसको यहां लिखूंगी, सो टू टू एन माइनस वन, अब यहां से टू कॉमन ले सकते हैं, तो यहां टू लिख दूंगी, यहां एन माइनस वन आ जाएगा, डिवाइडेड बाय थ्री मल्टीप्लाई वन बाय एन माइनस वन इक्वल्स टू ट्वेल्व इज टू वन, पूरा इरेज कर दूंगी। ये देखिए n माइनस वन से n माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, अब जो बचा वो लिख देंगे हम बस, टू टू जा फोर और टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय थ्री इक्वल्स टू ट्वेल्व, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी साथ ही साथ में, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, पहले तो यहाँ फोर टू जा एट एन माइनस फोर इज इक्वल्स टू 36, सो एट एन इक्वल्स टू 40, सो एन इक्वल्स टू 5। तो लर्नर्स ये लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट।